में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग सदन में चर्चा परिचर्चा पक्ष विपक्ष करते रहते हैं अध्यक्ष महोदय, मगर मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जिस प्रकार से आज झारखंड में खनिज संपदा से भरा झारखंड हमारे पास है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी आज हम गरीब गांव के लोग अपने आप को कमजोर और कमी महसूस करते हैं अध्यक्ष महोदय। आज हम दूसरे स्टेट में कहीं पे भी अगर घूमने के लिए भी जाते हैं अध्यक्ष महोदय, तो इस बात का चर्चा होता है कि झारखंड से आए तो झारखंड के लोग बहुत धनी होते हैं, मगर जब गांव में जाते हैं अध्यक्ष महोदय, जब गरीबों के बीच में जाते हैं अध्यक्ष महोदय, तब हम लोग अगर जब चर्चा होता है, जब हम लोगों को रोजगार मांगता है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कमी महसूस करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस प्रकार से आज झारखंड में हर संसाधन से भरा पूरा झारखंड है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी हमारे झारखंड प्रदेश के बेरोजगार दूसरे प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं अध्यक्ष महोदय। अभी अभी कुछ लोगों ने बोल रहे थे कि हम लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेश कमाने के लिए जो हमारे युवा गए थे उनको हम किस प्रकार से लाएं, कितना कठिनाई से लाएं, कितना खर्च हुआ, इस पर चर्चा हो रहा था अध्यक्ष महोदय। तो हम सोच रहे थे अध्यक्ष महोदय कि जब हमारे यहाँ हर संसाधन अध्यक्ष महोदय, तो हमारे लोग बाहर क्यों जाएंगे, उसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए, या माइनिंग के क्षेत्र में जो प्राइवेट कंपनी आती आ रही है अध्यक्ष महोदय, और जो बाहर से लोगों को लाकर वहां रोजगार दे रहा अध्यक्ष महोदय, क्यों ना हम ऐसा कानून बनाए अध्यक्ष महोदय कि झारखंड में कोई भी उद्योग लगाए या माइनिंग कंपनी कोई काम करे तो झारखंड के लोगों को ही रोजगार मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग कहीं बाहर कमाने ना जा सके। देखो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने जो केंद्र सरकार द्वारा लगभग 20 कोल ब्लॉक का नीलामी करवाने का निर्णय ले चुका था अध्यक्ष महोदय, यहां लोकल कंपनी कौन है, मगर कारण जो भी अध्यक्ष महोदय, इस माइनिंग को रोकने के लिए हमें कोर्ट तक भी जाना पड़ा। कारण क्या अध्यक्ष महोदय, जब किसी तरह का किसी तरह का इस तरह का बड़ा परिस्थिति आता अध्यक्ष महोदय, तो हम जानते भी और अखबार में भी आता कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से दुर्भाष पर बात किसी न किसी रूप में होता अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या कमी था, क्या व्यस्त था, इस पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से कर सकते थे। अगर बातचीत के दौरान अगर वो समस्या का निदान हो जाता अध्यक्ष महोदय, तो हमें लगता लाखों लोगों को यहां पर रोजगार मिल सकता था अध्यक्ष महोदय, राजस्व का भी फायदा होता अध्यक्ष महोदय, राजस्व भी हमारे सरकार के खजाने में आता अध्यक्ष महोदय। आज हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे खजाना खाली है, खजाना भरने के लिए उसका उपाय भी तो हमको सोचना होगा अध्यक्ष महोदय, मगर हम उस ओर न जाकर हम आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे का छोटे बड़ा दिखाने के लिए कोई अगर निर्णय केंद्र सरकार लेता तो उसका हम कटाक्ष करते अध्यक्ष महोदय, ये बहुत दुखद और विडंबना के साथ हमारा कहना पड़ रहा अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, हम खास करके धनबाद जिला से आते हैं और माइनिंग क्षेत्र सबसे ज्यादा माइनिंग अगर होता है तो पूरे झारखंड प्रदेश में तो धनबाद में ही होता होगा अध्यक्ष महोदय, मगर मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को अध्यक्ष महोदय, खास करके धनबाद के लिए एक टीम गठित करें अध्यक्ष महोदय। टीम गठित इसलिए हम कहना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि जो विस्थापित जो गांव के लोग जमीन देता है, उस गांव के लोग कितने वहां पे काम करते हैं और बाहर के लोग कितने काम करते हैं, जब तक इसका हम आकलन नहीं करेंगे, जब तक इसका जांच नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, तब तक हमें लगता कि विस्थापितों का समस्या और विस्थापित यहां के गांव के लोग बाहर कमाने जाने से कोई रोक भी नहीं सकता अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से,
इसका तुरंत कमिटी गठन करे और जो गांव के लोग, जो विस्थापित लोग, जो गरीब लोग अपना जमीन देता है, वो जमीन दाता, वो विस्थापित को वहां पे रोजगार मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय, मगर इस तरह का स्थिति वहां है ही नहीं अध्यक्ष महोदय। गांव के लोग, हमारा पास इतना आंकड़ा अध्यक्ष महोदय, दो चार आंकड़ा तो हम बता सकते हैं कि लगभग एक केसरगढ़ बस्ती। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।